हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलाइंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय जनगणना के ऊपर रहने वाला है। प्यारे साथियों, मैं आपको लगभग टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैंने इस PDF के माध्यम में, मतलब की PDF में समाहित किया है। तो प्यारे साथियों, जो आपका एग्जाम चल रहा है SSC CHSL, SSC CPO या आने वाले आगामी परीक्षा SSC JD या उत्तर प्रदेश पुलिस RPF रेलवे SI, ठीक है, उसमें सभी में यह जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, मैं चलने के चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे साथियों, देखिए भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1872 में हुई थी, और इसकी जो शुरुआत है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और देश की यानी कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो यानी कि पूर्ण रूप से जो पूर्ण कराई थी वो किसने कराई थी, वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी, और 1881 में यह जनगणना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे साथियों, देखिए भारत की जो है पहली स्वतंत्र जनगणना कब हुई थी। तो आपका आंसर रहेगा 1951 में यह जनगणना स्वतंत्र रूप से हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, तो आप बोलेंगे 1921। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है, तो आप बोलेंगे 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना की अवधि क्या है, तो आप बोलेंगे यह प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, देखिए जनसंख्या का जो अध्ययन है वो किस में होता है, तो आप बोलेंगे यह है डेमोग्राफी में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो क्या है, तो आप बोलेंगे यह हमारी जनगणना और हमारा जो है भविष्य। इसमें जो कुल प्रश्नों की जो संख्या रखी गई थी वो 29 रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, देखिए इसमें जनसंख्या का शुभंकर क्या है, तो आप बोलेंगे यह है प्रगण शिक्षिका है। ठीक है, क्या है? प्रगण शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, देखिए प्यारे साथियों, देखिए प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, तो आप बोलेंगे W प्लाडेन। ठीक है, कौन? W प्लाडेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है, तो आप बोलेंगे R A गोपाल स्वामी, और जो इसका जो समय रहा था 1949 से लेकर 1953 तक। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, तो आप बोलेंगे यह है डॉक्टर C चंद्र मौली। कौन? डॉक्टर C चंद्र मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखिए इसमें पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी, कब की गई थी, तो आप बोलेंगे 1931 में यह जो है जाति यानी जाति के आधार पर जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसमें देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कुल जनसंख्या कितनी है, देखिए भारत की कुल जनसंख्या यह जो आंकड़े हैं, देखिए 121 करोड़ की आबादी कब थी, यह 2011 की जनगणना के अनुसार थी, मगर अब प्रेजेंट टाइम में जो हो गई है लगभग 144 करोड़ की जनसंख्या है, और यह मतलब पूरे विश्व में भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है, और चीन जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। कौन? चीन जो है दूसरे नंबर पर आ गया है, उसकी जो जनसंख्या है लगभग 142 करोड़ की आबादी है, किसकी? चीन की। और भारत की मैंने आपको बताया भी, भारत की कितनी है? 144 करोड़। ठीक है, 144 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसमें आपका देखिए भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, तो विश्व जनसंख्या का भारत में भाग है 17.5%। ठीक है, यह जो आंकड़े हैं प्यारे साथियों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह आंकड़े मैं 2000 जनसंख्या के आधारित बता रहा हूँ, और जो अपडेट है वो मैं आपको उसके साथ साथ बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पुरुष जनसंख्या जो है, पुरुष जनसंख्या का जो परसेंटेज लेवल है या संख्या में करोड़ में है, तो आपको लगे 62.32 यानी कि 62.32 करोड़। ठीक है, परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 51.47 करोड़ यानी 51.47%। महिलाओं का जो जनसंख्या घनत्व है मतलब कि करोड़ में, वही सेम पर्सन, तो आप बोलेंगे 58.75 करोड़, या परसेंटेज में बोलेंगे तो आप बोलेंगे 48.53%। 10 की वृद्धि दर आप बोलेंगे 17.7%। ठीक है, 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वृद्धि दर आप बोलेंगे तो 1.6
ठीक है, 1.64%। कुल साक्षरता दर की बात की जाएगी तो आप बोलेंगे 73%। ठीक है, कितना 73 इसमें हो जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष साक्षरता दर, तो आप बोलेंगे 80.9%। महिला साक्षरता दर की बात की जाएगी तो आप बोलेंगे 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है लिंगानुपात बताइए। यह भारत का जो लिंगानुपात है 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, यानी कि इसमें आपके लगभग 57, ठीक है, 57 जो पुरुष होंगे, जो मेल होंगे, वो क्या रहेंगे, वो जो है अविवाहित रह जाएंगे, क्योंकि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, जो 0 से 6 वर्ष का जो समय होता है बच्चे का, जो 0 से 6 वर्ष की जो आयु होती है उसको हम शिशु लिंगानुपात बोलते हैं, और यह जो है 919 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है आपको बताना है, और जनसंख्या घनत्व में देखिए आपको बोलेंगे कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 382 वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों देखिए इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपसे पूछा है कि किस राज्य का है, तो आप बोलेंगे यह जो है सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। और इसमें क्या है देखिए, यह जो पुरुष हो मतलब कि 1000 पुरुष पर एक 1000 पुरुष पर जो है मतलब कि कितनी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं इसमें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका देखिए न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो आप बोलेंगे यह हरियाणा का है। ठीक है, किसका, हरियाणा का है, और इसमें जो है जो संख्या है वो कितनी 879। ठीक है, 879। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस किस मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आप बोलेंगे पुदुचेरी का। ठीक है, पुदुचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आप बोलेंगे यह दमन एंड दीव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आप बोलेंगे यह बिहार राज्य का है, और इसमें 1106 का अनुपात इसमें बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आप बोलेंगे यह अरुणाचल प्रदेश का है, और इसकी जो अनुपात है वो 17 का अनुपात है। ठीक है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे साथियों सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व जो है सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अधिक जो केंद्र शासित घनत्व है, तो आप बोलेंगे यह दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो आप बोलेंगे यह उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, तो यानी कि न्यूनतम का मतलब सबसे कम, तो आप बोलेंगे यह सिक्किम की है, 6.10 लाख। ठीक है, 6.10 लाख किसकी, सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला जो राज्य है केंद्र शासित, तो आप बोलेंगे यह भी कौन होता है, दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे साथियों देखिए न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित यानी कि सबसे कम किस में है जनसंख्या, तो आप बोलेंगे यह लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, तो आप बोलेंगे यह नागालैंड में घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो आप बोलेंगे केरल है। ठीक है, इसमें 94% जनसंख्या मतलब साक्षरता पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपके प्यारे साथियों न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आप बोलेंगे यह बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम महिला साक्षरता आप बोलेंगे ये भी बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य, तो आप बोलेंगे भाई साहब लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देखिए न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य जिसमें सबसे कम है, तो आप बोलेंगे दमन एंड नागर हवेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो आप बोलेंगे ठाणे, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे कौन सा, दिबांग घाटी, और दिबांग घाटी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल
प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए पहले साथियों, सबसे अधिक जिलों वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं? तो आप बोलेंगे यह जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? आप बोलेंगे जो है 75 है। ठीक है, कितनी है? 75 है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपको हमारी यह पिच कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके लिए कितनी लाभदायक यह क्लास होने वाली है, आप इसको पढ़ेंगे और आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, और बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लग जाए तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो भी आपको करना है प्लीज कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगले आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।